दर्शकों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। आज 26 जुलाई है। इतिहास के पन्नों में कारगिल विजय दिवस के रूप में यह तिथि दर्ज है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि विक्रम बत्रा कारगिल का शेर, जिसे शेर शाह कहा जाता था, नाम तो सुने ही होंगे आप। दुश्मन भी थर थर कांपते थे इस नाम से। हिमाचल के लाल बन गए पूरे देश के हीरो। आज हम हिमाचल के इसी लाल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। विक्रम बत्रा वह नाम है जिसे लोग अपने जहन में उतार चुके हैं और रियल हीरो के रूप में मानते हैं। कारगिल विजय दिवस का नाम जब भी आता है तो हिमाचल के लाल विक्रम बत्रा का नाम भी याद आ जाता है। शेरशाह नाम से जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को युवा अपने हीरो मानते हैं। 1999 में कारगिल में हुए युद्ध में परमवीर चक्र विजेता ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज हम ऐसे ही रियल हीरो की कहानी विजय दिवस पे आप सभी दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। विक्रम बत्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में हर साल 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसे भारत विजयी हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में बलिदान हुए भारतीय जवानों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है और भारत के इतिहास में यह तिथि इतिहास के रूप में दर्ज हो चुकी है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि हिमाचल के लाल से कांपते थे दुश्मन। इस युद्ध में हिमाचल के लाल परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का भी बड़ा योगदान है। दुश्मन भी इनके नाम से कांपते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा देश के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए बलिदान हो गए थे। दुश्मनों को धूल चटाने वाले विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था। कांगड़ा जिले के पालमपुर में घुग्घर गांव के जन्मे विक्रम बत्रा को युद्ध में दुश्मन भी शेर शाह के नाम से जानते थे। उनका बहादुरी देश के लिए मिसाल है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि कैसे पड़ा इनका नाम शेर शाह। अब हम आप सभी दर्शकों को यह बताने जा रहे हैं। विक्रम को हांगकांग में अच्छे वेतन पर मर्चेंट नेवी की नौकरी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए भारतीय सेना को चुना। 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 पर फतह की थी। जीत के बाद बत्रा ने इस चोटी से संदेश दिया था, यह दिल मांगे मोर। बाद में यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम बत्रा का नाम शेर शाह से नवाजा, जिसे आज उन्हें उपनाम के रूप में जाना जाता है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि युवाओं के हीरो हो चुके हैं कैप्टन बत्रा। कारगिल युद्ध को सालों बीत गए हैं, लेकिन आज भी इस जाबाज सिपाही की कहानियां लोगों को जोश से भर देती है। आज भी जब कोई युवा उनके किस्से सुनता है तो हर किसी के दिल से एक ही आवाज निकलती है कि वह भी कैप्टन बत्रा की तरह ही देश की सेवा करना चाहता है। तो आज विजय दिवस के पावन अवसर पर हमने विक्रम बत्रा की कहानी आप सभी दर्शकों को सुनाया। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आगे आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं यह भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।